अरे देखा, कोई निकल आया हो। ये अंडा किस चीज का बड़ा है? ये बड़े वाला अंडा। अबे ये टर्की ने दिया होगा। छोटे वाले ये सारे गुल्लर पड़े हैं दोस्त, चार के पांच गुल्लर हैं दोस्त, पांच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं दोस्तों? आज मैंने आपको जो हमने छोटे छोटे ना पैरट के चिक्स लिए थे, बच्चे लिए थे, उनकी ग्रोथ के बारे में आज को मैंने आपको बताना है। तो देखते हैं, ये देखे दोस्तों, बल्फ इनके लिए ना अभी तक झर रहा है। माशाल्लाह ये इतने बड़े हो गए, आप देख सकते हैं। ये देखें कितने बड़े हो गए। बस अभी इनको ना सुबह का टाइम है, मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाया जाए। कितने दिन हो गए मैंने इनका इनको फीड करवाता हूँ, फिर ना हम पिजन के बेबी कल जो निकल रहे थे जाके उनके देखते हैं। और एक हमने ना वहाँ से डॉग के बेबी निकले हैं बहुत सारे चार, वो भी चल के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रात को तीन कबूतर रह गए थे ना, वो दोस्तों ये देखे इधर आए बैठे हैं। ये वाला पहले पानी मुझे गिराना होगा इसके अंदर, ताकि ठंडा पानी ये परिंदे ना पिए। चल शाबाश, इसमें चलाइए, इसको खाली दोस्तों कर दिया। तो अब ना सबसे पहले अपने पिजन को निकालते और टर्की को निकालते। टर्की बेताबला हो जाते, चल आ जा टर्की, आ जा, कोई अंडा शंडा दे दो यार, कोई अंडा नहीं दे रहे। इधर ना मैंने बच्चे देखने थे दोस्तों, वो कबूतरों के, ये निकले हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि निकले हैं कि अभी नहीं निकले। एक तो मैंने रात को आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, एक निकला हुआ था, दूसरे को ना टर्की ने ना उसकी अंडे को मतलब अपनी चूँच मारी है ना, बच्चा अभी कच्चा था, वो उसका ना हवा लग गई, पता नहीं अब वो बचता है नहीं बचता। आपको दिखाता हूँ पिजन निकल आए तो। आ जाओ तुम लोगों भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, ये आ जाएंगे खुद ब खुद। इनका भी दरवाज़ा खोल देते हैं। इनके ना दो दोस्तों अंडे पड़े हैं, और हमारी जो असील थी ना उसने भी दोस्तों अंडा दे दिया। आपको मैं दिखाता हूँ, इसने एक दिया है, दो दिए। वो किधर अंडा गया दोस्तों? अंडा तो इधर है भी नहीं, क्या हुआ होगा अंडे के साथ? कल तुम पड़ा था, मैंने खुद देखा था दोस्तों, अब नहीं पड़ा, पता नहीं क्या हुआ है, इन्होंने खुद खा लिया है, क्या हुआ है? कोई समझ भी नहीं है हमें, मुझे तो यानी क्या हुआ होगा दोस्तों। पिजन जो है ना सारे इधर खुल गए, टर्की भी इधर खुला खड़ा है। तो हम अब आपको दिखाता हूँ इनके बच्चे, ये वाले तो आपने देखे होंगे ऊपर बैठे, माशाल्लाह बड़े हो गए। इनका दिखाता हूँ इनका क्या हुआ है हशर अभी तक दोस्तों। ये वाला अभी नहीं निकला, ये जिंदा है पड़ा, देखें ये देखें, अभी इसके अंदर हाल चुर रहा है। ये निकल आएगा दोस्तों कुछ दिन बाद। ये देखे कितना छोटा नन्ना मुन्ना निकला पड़ा है दोस्त, ये वाला देख दिखाता हूँ आपको। ये देखे नन्ना मुन्ना सा निकला पड़ा है इसकी ना, कुछ इसने खाया पिया है आज, अभी खाएगा। कितना दोस्तों छोटा सा नन्ना मुन्ना है, देखे सही कितना प्यारा है, छोटा छोटा सा है दोस्तों, नन्ना सा है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों। तो अल्लाह करे दूसरा भी निकल आए, ताकि वो मरे मर मरा ना जाए, तो उसको हवा तो लग गई लेकिन इंशाल्लाह बच जाएगा। चल आज अब नन्नू मुन्नू तुझे रख देते हैं, चल चल अंदर इधर रख देते हैं दोस्तों। ये देख अंडे के साथ गया बड़ा, उसने पता नहीं बच्चे देने हैं, इधर आए पड़े हैं। तो देखते हैं हमारी असील मुर्गी ने भी अंडे तो इनको बेट किए हुए, देखते हैं उनके बच्चे निकलते हैं नहीं निकलते। मुझे तो मुश्किल लग रहा है दोस्तों, चल के दिखाते हो, कोई पता बच्चा निकला पड़ा हो। अबे यार तूने कुछ निकाले हैं बच्चे? सारी चीजें निकाल रही है तू बैठी, एक बच्चा भी नहीं निकाल रही। निका कोई निकल आया हो, कोई कोई दोस्तों, नामो निशान। ये अंडा किस चीज का बड़ा है? ये बड़े वाला अंडा। अबे ये टर्की ने दिया होगा, है ये किस का अंडा है? ये टर्की का होगा अंडा। अबे यार, अबे दोस्तों ये तो टर्की का अंडा है इतना बड़ा। शुक्र है अंडा दे दिया टर्की ने, मैंने देखा उधर पड़ा था, ये किसने दिया होगा? इधर देखते हैं कोई है तो नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी। तो दोस्तों टर्की ने पहला अंडा दे दिया, इसके अंडे हम ना संभाल के रखेंगे इंशाल्लाह इसके बच्चे। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारी टर्की बर्ड ने ना पहला अंडा दे दिया, तो दोस्तों बहुत ही खुशी हो रही है। दैन और अबरार भाई ये देखे न, टर्की का एग आ गया, ये करीब से देखे,
अबरार और हुसैन मैं बहुत खुश हूँ यार, टर्की ने ना एग्स दे दिया है। तो दोस्तों ये टर्की रहा है, इसके लिए ना मैं अब इस जगह पे ना जगह बनानी है टर्की के लिए, क्योंकि वो ना इसी के अंदर एग्स देगी किसी जगह पे, तो उसने उस जगह पे जाके एग दिया है तो हमें पता नहीं चला। शुक्र मैंने देख लिया, वरना ये ख़राब हो जाओ। उस मुर्गी के अंडे निकल आते तो इसका ना निकल सकता, फिर मुर्गी उठ जाती तो ये एग तो ख़राब हो जाता। शुक्र है आज मैंने देख लिया, तो हम इसको सेव करके रखते हैं, जब टर्की कुड़क पे आएगी ना फिर इसको बिठा देंगे अंडों पे। दोस्तों इस जगह पे ना तीनों ईंटे मैंने रख दी हैं, तो ये जगह ठीक बन गई है। तूरी भी लाते हैं, वो भी रखते हैं ताकि ना जगह सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, तो टर्की बढ़ना अपनी जगह को सेफ समझो और यहाँ एग दे। इनके दोस्तों शापर ऊपर उठा लेते हैं, अब सर्दी तो है नहीं, इसका भी उठा लेते हैं। तुम लोगों ने कोई अंडा वंडा दिया है? वो बैठी है दोस्तों, इनका देखते हैं कोई अंडा शंडा आया है कि नहीं है। टर्की ने तो दोस्तों आज खुश कर दिया, इनका भी एक आया पड़ा है, ये चल के उठाते हैं दोस्तों। एक अंडा इसका भी आया पड़ा है, ये वाइट वाला आया पड़ा, ये भी बहुत प्यारा है। हमारी मुर्गियां अपने अंडे देना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसका डोर ऑफ रख लें ताकि ना वो किसी अपनी उसके अंदर ना अंडे दे, इधर ना दे तो इधर तो मुर्गी इनको वेट करना पड़ जाएगी तो फिर ऐसे ख़राब हो सकते, उसके तो बच्चे निकल आएंगे फिर ना ये ज़ाया हो जाएंगे। दोस्तों इनको दाना डाल दिया, बाकी ये सारे पैरट ना इधर बैठे हैं। तुम लोग यार कोई एग्स दे दो, टर्की ने भी आज खुश कर दिया, तुम लोग कोई एग्स दो। दोस्तों इसका जो एग्स नीचे पड़ा है ना इसको इनको वेट करके देखते हैं, पड़ा है कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखते दोस्तों। ये देखिए अभी तक तो इधर कुछ नहीं बना, इसके अंदर रेड रेड बिजली बन तो रही है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सबको दाना पानी कर दिया, अब हम चलते हैं उधर अपनी दूसरे घर में, जहाँ से जहाँ ने कुत्तिया ने बच्चे दिए उनको चल के आपको दिखाऊँ। अगर वो बैठी हुई तो फिर नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत ही खतरा होता है, क्यों वो काट लेती है, उसके बच्चे होते हैं वो हिफाजत करती है, चल के देखते हैं क्या सीन है। दोस्तों इस जगह पे उस दिन देखे थे मैंने बच्चे, इधर पड़े थे, आज तो पड़े भी नहीं है, पता नहीं किस जगह पे कहाँ गए हैं, कोई समझ नहीं है, और जगह देखते हैं कोई पता छुपाए हुए हैं कुत्तिया ने। दोस्तों एक गुल्लर ये बैठा है, ये आपको सामने करके दिखाता हूँ, छोटे वाला गुल्लर इधर बैठा है, बाकी पता नहीं किस जगह बाकी ना ये पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, कुत्ती बैठी है नहीं बैठी, ये गुल्लर ये पड़े हैं छोटे वाले, ये सारे गुल्लर पड़े हैं दोस्तों, चार के पाँच गुल्लर हैं दोस्त, पाँच। अरे क्या कर रहे गुल्लर दोस्तों, पांच गुल्लर हैं इस जगह पे, पांच पांच दोस्तों गुल्लर कुत्तिया ने दिए हैं, तो इधर ना हमारे पास कुत्ते ही कुत्ते आते जा रहे हैं। एक उधर वो पुराने वाले में पिछले वीडियो जो देखते हैं उनको पता होगा, तो पांच ना इधर पड़े हैं, एक यहाँ छह टोटल गुल्लर इस घर में हमारे पड़े हैं दोस्तों। कुछ कबूतर इधर बैठे हैं, एक इधर बैठे हैं, एक ने ना हमारे यहाँ अंडे दिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बैठी होगी, इसने ना एग्स दोस्तों दिए हुए हैं इस जगह, ये देखे मारने आती है, एग्स दिखाते हैं, ये देख मारती है दोस्तों, इसने एग्स दिए हुए कन्फर्म है, ऊंची जगह मैं देख नहीं पा रहा, तो तकरीबन इसने एग्स दिए, अगर एग्स ना दिए होते तो उड़ जाती। ये दो देख उधर आते हैं दाना खा के, फिर इन्होंने बसेरा इस पिंजरों के अंदर किया हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों आज ना मुझे बहुत ही खुशी हुई, हमारी टर्की ने ना एग्स दे दिया, दुआ करें और ज़्यादा एग्स देती जाए, फिर हम ना इसको इनको बेट करवाएंगे, फिर ना इसकी नस्ल बढ़ाएंगे, जिनसे हमने लिए थे उनको भी देंगे और बाकी हम अपने पास रखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले व्लॉग, तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल शुगर मेला सब्सक्राइब करना मत भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हाफिज़।